रावत शिक्षा समिति द्वारा कोरोना वायरस के बचाव को लेकर हाथरस गेट पुलिसकर्मी सहित जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर हाथरस गेट प्रभारी मनोज शर्मा ने रावत शिक्षा समिति द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ये एक अच्छी पहल है। जो आज आपने ये मास्क जो है हमारे दिव्यांग स्कूल के माध्यम से सभी दिव्यांग लोग बना रहे हैं, जिनको हम रोजगार भी दे रहे हैं, मतलब पैसा भी उनको मिल रहा है बनाने का। तो ये जो हम जो खाना दे रहे हैं ना, उन्हें खाना पीना जो दे ही रहे हैं, लेकिन मास्क जो बना रहे हैं उनको एक तो उनको बनाने का पैसा मिल रहा है और सारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अब ये संस्था जा रही है कि जितने मास्क की वजह से ये दूरी और यही सब चीज़ें हम लोग को ज़रूरत है, तो सबको मास्क हर थाने में हर चौकी पर सभी को मास्क दिए जा रहे हैं जो उनके माध्यम से बढ़ सके, क्यों हम लोग तो इतने बांट नहीं पाएंगे। तो इन लोगों का हमको जो सहयोग मिल रहा है पुलिस विभाग का और वैसे विभाग का हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं हम लोग, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हमें मिलता है उनको ही मास्क पकड़ा देते हैं कि आप अपने स्तर से बांटते रहो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए और इस चीज़ से हम लोग का जो कर रहे हैं इस बीमारी से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें। रावत शिक्षा समिति द्वारा लगातार जनसेवा की जा रही है, थाने के माध्यम से उन्होंने कई बार खाना भी बंटवाया है और ये तीन बार लगातार 100-100 जो है मास्क दे चुके हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है।